अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पांडुरंग आमले ने मनाया अनूठा रक्षाबंधन, सैकड़ों महिलाओं को बांटी साड़ियां, भाई के प्यार से वशीभूत हुई वार्ड की महिलाएं। लॉकडाउन ने इस बार रक्षाबंधन पर्व पर तमाम बहनों को अपने भाइयों से दूर कर दिया है, लेकिन भाजपा के युवा नेता पांडुरंग आमले ने ऐसी सैकड़ों बहनों तक खुद पहुंचकर उनके रक्षाबंधन को यादगार बना दिया है। पांडुरंग आमले ने सानपाड़ा सेक्टर 8 की आदर्श और कोहिनूर समेत दर्जनों सोसाइटियों में खुद घर घर जाकर महिलाओं को साड़ियां बांटी और शुभकामनाएं दी। युवा नेता ने कहा कि लॉकडाउन ने भाई बहनों में जो दूरियां बना दी हैं, हमने इस दूरी को स्नेह, सम्मान और उपहार से भरने की कोशिश की है। पांडुरंग आमले ने कहा कि सामाजिक तौर पर हम जनसेवा की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर असंख्य बहनों ने जो राखियां बांधी हैं, उससे नाता और मजबूत हो गया है, जिम्मेदारी और भी आत्मीय हो गई है। रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम है उसका हर बहन अपने भाई का ये इस प्रोग्राम के लिए वेट करती है, बट इस कोरोना के महामारी में उनको जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं, अगर उनके भाई नहीं बट ये भाई उनके लिए हमेशा तैयार होता है, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम उनके घर घर जाके अरेंज किया हुआ है। और इसी माध्यम से हमने सब हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी, उन्होंने सोचा कि हम लोग ये प्रोग्राम अरेंज करें, और हमने इसके लिए बहुत सारे महिला से चर्चा भी की, तो उन्होंने बोला कि ये आप कर सकते हो और ये हमारे लिए अच्छा भी है, और इसलिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। जिम्मेदारी तो पहले से हम लोग जिम्मेदार है यहाँ पे, और हमने जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है, और अभी तो रक्षाबंधन जो हुआ है उससे अभी हम लोग बंधन में आ चुके हैं उनके, तो जो जो मेरी बहन बोलेगी वो हमें करना ही है, करते आए और आगे भी करते रहेंगे। रक्षाबंधन पर्व पर इस अनूठी पहल से कई महिलाओं की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि पांडुरंग आमले ने जिस तरह उन्हें सगे भाई की तरह स्नेह और सम्मान दिया, उपहार दिया है, उससे उन्हें बहुत खुशी हुई है। महिलाओं ने कहा कि युवा नेता ने जो अपनापन दिखाया है वह उन्हें जीवन भर यादगार रहेगा। आज आपल्या देशावरती कोरोनाचं संकट आलेलं आहे, तर लॉकडाऊनच्या काळात आपण आपल्या भावाकडे जाऊ शकत नाही किंवा भाऊ बहिणीकडे येऊ शकत नाही, अशा वेळी आमले साहेब या ठिकाणी येऊन आज रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम इथे साजरा करत आहेत। खरोखरच खूप आनंदाची गोष्ट आहे की इथे येऊन आमच्यासाठी ते एक भावाची कमी पूर्ण करत आहेत। तर मी आज माझ्यातर्फे आणि कोहिनूर सोसायटीतर्फे सर्वप्रथम मी त्यांचे मनापासून आभार मानते। प्रभागातील समाजसेवक श्री पांडुरंग आमले साहेब यांनी आतापर्यंत आम्हाला खूप सहकार्य केलं। कोरोनाच्या काळामध्ये कोणी कोणाकडे जात येत नाही, कुणाची मदत अवेलेबल होत नाही, त्या काळामध्ये आम्हाला लागणारं सगळं वस्तू म्हणजे जीवनावश्यक आवश्यक असतात त्या सगळ्या वस्तू, भाजीपाला सगळं त्यांनी अवेलेबल करून दिलं। आणि आता आज जेव्हा रक्षाबंधन आहे, आम्ही आमच्या भावाकडे जाऊ शकत नाही का, भाऊ आमच्याकडे येऊ शकत नाही, त्या काळामध्ये ते स्वतः पुढे आले आणि रक्षाबंधनासारखा कार्यक्रम आम्हाला साजरा करण्यासाठी त्यांनी स्टेज उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार। आमले साहेबांनी आम्हाला लॉकडाऊनच्या काळामध्ये खूप मदत केली, त्यांनी आमच्या सोसायटीसाठी स्वस्त दरामध्ये भाजीपाला धान्य वाटप केलं, सॅनिटायझर पण उपलब्ध करून दिले। भारतीय जनता पार्टीचे आमले साहेब यांनी आम्हाला भावाप्रमाणे आज सण साजरी करायला मिळतो आहे, त्यामुळे आम्हाला खूप आनंद वाटतो आहे।
आज त्यांच्याबद्दल काही सांगण्यासारखे खूप आहे, पण मी एवढं काही जास्त बोलत नाही। आणि त्यांचा आम्हावर खूप आहे, आधार आहे आम्हाला त्यांचा खूप मिळाला या सर्व कोरोनाच्या काळामध्ये। आणि आमच्यावर काही संकटे होती, त्याच्यावर त्यांनी आम्हाला खूप सहकार्य केले, त्याबद्दल धन्यवाद। बता दें कि पांडुरंग आमले भाजपा के युवा नेता हैं और सानपाड़ा सेक्टर 8 परिसर में एक निष्ठावान समाजसेवी के तौर पर कार्यरत हैं।